हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप स्नैपचैट यूज़ करते हैं, स्नैपचैट पे आपने अकाउंट बना लिया है और अब आप अपने स्नैपचैट के अकाउंट को आईडी को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो भाई करना क्या है आपको, आपको अपनी स्नैपचैट ऐप को सबसे पहले ओपन करना है। तो स्नैपचैट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पर आपकी स्नैपचैट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे प्रोफाइल का कोने में एक आइकॉन दिखाई देगा, जो कोने में प्रोफाइल है ना, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते ही इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यूजर नेम लिखा होगा, जहाँ पे आपका नाम होगा उसके नीचे देखो ये यूजर नेम है, जैसे Lucky200, तो ये नंबर कुछ होगा, जो भी आपका यूजर नेम बनाया होगा ये आपको ध्यान रखना है। इसको किसी पेपर पे लिख लेना, याद कर सकते हो तो याद रख लेना, क्योंकि ये अभी जब हम अकाउंट डिलीट करेंगे तो वहाँ पे काम आएगा। तो यूजर नेम जो याद रखना, ठीक है। उसके बाद भाई देखो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का आइकॉन दिखेगा, आपको इस सेटिंग, ये जो गोल वाला है ना, ये वाला जो है सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर इस आपके सामने कुछ इस तरह का खुल जाएगा। ऊपर मेरी थोड़ी ईमेल आईडी है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये देखो भाई अब यहाँ इस तरह की सेटिंग्स खुल जाएंगी, ऊपर आपकी ईमेल आईडी यूजर नेम भी लिखा होगा, मैंने ऊपर कर दिया है ताकि भाई थोड़ा सिक्योरिटी का वो है। अब आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर करना है इसे, ठीक है। जैसे ही ऊपर करोगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए सपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। ये सपोर्ट लिखा दिखाई देगा और यहाँ पे लिखा होगा आई नीड हेल्प, ठीक है। तो आपको आई नीड हेल्प वाले पे, सपोर्ट जहाँ लिखा हो और आई नीड हेल्प वाले पे क्लिक कर देना है। अरे दूसरा क्लिक हो गया, रुको चेक करते हैं। आई नीड हेल्प पे करना है, ठीक है। आई नीड हेल्प इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे ये तरह इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखो ये चश्मे वाला लौंडा, ये देखो मैनेजिंग माई अकाउंट, ये चश्मा सा लगा रखा होगा इसने इमोजी ने, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे भाई, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, डिलीट और रीएक्टिवेट माई अकाउंट, ठीक है। तो ये वाला जैसे ही खुले इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, हाउ डू आई डीएक्टिवेट और डिलीट माई स्नैपचैट अकाउंट, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सा आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, पढ़ सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट के बारे में, कैसे कैसे डिलीट कर सकते हो। इसमें ये लिखा है भाई कि आप डिलीट करोगे ना जैसे अपने अकाउंट को, तो अगर 30 दिन तक आप दोबारा अपना जो पासवर्ड और यूजर नेम डाल के अगर दोबारा से लॉग इन कर लोगे तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। रीएक्टिवेट मतलब 30 दिन तक वो वहाँ पर पड़ा रहेगा। अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है ना तो आप उसको लॉग इन मत करना। अगर लॉग इन 30 दिन से पहले आपको लगता है कि भाई मैंने गलती से डिलीट कर दिया, तो 30 दिन के अंदर अंदर अगर लॉग इन कर लोगे तो दोबारा से आपका अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे नीचे करो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्नैपचैट अकाउंट्स पोर्टल, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे ब्लू कलर का, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पर देखो आपको अपना वो यूजर नेम डालना है, जो यूजर नेम मैंने बताया था ना, यूजर नेम डालना, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर भी डाल सकते हो, पर यूजर नेम डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ईमेल डालने की जरूरत नहीं इतना बड़ा है। तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम डाल देता हूँ, ठीक है। जैसा मेरा यूजर नेम था तो LUCKY, तो मेरा था 200002876, ठीक है। ये था मेरा यूजर नेम, मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही नेक्स्ट करूँगा अब यहाँ पर आएगा पासवर्ड का ऑप्शन, तो मैं ज़रा पासवर्ड डाल लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो वो क्या था यार, सॉरी, यूजर नेम था वो यहाँ पे, पासवर्ड मैंने डाल दिया। मैं यहाँ पे कर दूंगा नेक्स्ट, आपको भी नेक्स्ट कर देना है अपना डाल के। अब यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी का भी आएगा, आपको जो है यहाँ से कन्फर्म इट्स यू एक ईमेल पे आपको एक वहाँ पे वो भेजा जाएगा, जो आपने ईमेल आईडी डाल रखी होगी ना वहाँ पर डाल रखा होगा एक, जो है एक आपके पास वो आएगा। अब मैं पहले उसको देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब ईमेल से जब आप वापस आओगे ईमेल पे वही कन्फर्म के लिए आपसे पूछेगा कि आप ही हो या कोई दूसरा बंदा, तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आपको अप्रूव कर देना है बस। जो आपके ईमेल खोलोगे ना, जैसे यहाँ से आपको करने के बाद पासवर्ड बुक करोगे तो ईमेल आएगा मेल पे, जैसे आप मेल अपनी ओपन करोगे ना वहाँ पे कन्फर्म का एक मतलब अप्रूव का ऑप्शन आएगा, अप्रूव पे दबा देना, फिर आप दोबारा यहाँ पर पहुँच जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा डिलीट माई अकाउंट का ऑप्शन, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे ये देखिए यहाँ से अब आपका डिलीट माई अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे ये रहा, ये आपका पासवर्ड है और आपको यहाँ से जो है ये लकी है पासवर्ड, आपको यहाँ पे अपना दोबारा से एक बार डाल देना है। मैं दोबारा पासवर्ड डालता हूँ जरा। अब ये लीजिए भाई, मैंने पासवर्ड भी डाल दिया है, यूजर नेम मेरा ही। अब बस मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू, आपको भी सेम करते रहना जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू करोगे यहाँ से
आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। ये देखिए डीएक्टिवेट हो गया, योर स्नैपचैट अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड सून इफ यू हैव वेरीफाइड एन ईमेल एड्रेस ऑन स्नैपचैट कन्फर्मेशन वंस योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेट। तो भाई ये 30 दिन के अंदर आपका अकाउंट अगर दोबारा लॉग इन कर लोगे तो भाई दोबारा से आपका रीएक्टिवेट हो जाएगा, वरना आपका भाई डिलीट अकाउंट हो चुका है। 30 दिन तक वेट करना, लॉग इन मत करना, अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई अपना स्नैपचैट का अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।